आज मैं शेयर कर रही हूँ ईजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू मेक बीफ पाया। मैंने बीफ पाए को मीडियम साइज में कटवा लिया है और उसे विनेगर, व्हीट फ्लावर और गर्म पानी से कई बार अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है। वी हैव टू इंश्योर देयर इज़ नो नेचुरल स्मेल। ल्यूक वार्म वाटर से थोड़े गर्म पानी से धोएं, बिल्कुल हॉट वाटर से नहीं। अनियन का पेस्ट ले लिया है मैंने। अपना बड़ा प्रेशर कुकर निकाला है और गरम मसाले डाल दिए हैं। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और अनियन डाल के इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेंगे। सॉल्ट डालेंगे जिससे अनियन कैरामलाइज हो जाए। बीफ पाई को ऐड कर देंगे और कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा सौंफ पाउडर, इन सभी मसालों को ऐड करके कम से कम 6 से 7 मिनट मीडियम हाई हीट पे भून लेंगे। अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें गर्म पानी डाल देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसलिए स्टीम निकलेगी, तो मैं पानी ज़्यादा ही डाल रही हूँ जिससे सारे पाए पानी के नीचे ही रहें। अच्छे से मसालों को मिक्स करते हुए अब इसे कवर कर दूँगी लिड से। हाई हीट पे प्रेशर आने के बाद फर्स्ट विसल के बाद हीट को लो कर देंगे और मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे इसे पूरे पकाने में। नेचुरली स्टीम को रिलीज़ करने के बाद पाए को हाई हीट पे कम से कम 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे। पाए अच्छे से पक चुके हैं। मैंने 2 निहारी के भी पीस डाले थे। गार्निश करें जिंजर जूलियन, कोरिएंडर लीव्स, गरम मसाला और ग्रीन चिली। खिलाएं अपने लव्ड वंस को। होप यू लाइक्ड इट। मा सलामा।